जैन साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। इसमें आप उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिखेंगे, वो भी विभागीय करंट अफेयर, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन गेन करेंगे मित्र, मेरा वादा है। क्योंकि आपने पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था, उससे स्पष्ट निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश विभाग का जो करंट अफेयर होता है, जो जीके होता है, जीके भी मिलेगा आपको उसमें विथ करंट अफेयर के साथ में, लेकिन इसमें 80% क्या होगा, करंट अफेयर होगा मेरे भाई, आप लोग याद रखिए। तो मित्र, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि 3 प्रश्न आपको इसी सेशन से मिलने के लिए जा रहे हैं, इस बात का वादा है मेरा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इस सेशन को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें, ये मेरी गुजारिश है आपसे मित्र। अब देखिए, चलते हैं हम लोग बगैर देर किए अपने सेशन की ओर, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अपना भाई मानते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बताना चाहता हूँ, आपका भाई, आपका जो बड़ा भाई है, वो इस प्लेटफार्म पर GS के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। ये सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, और मुझे अपना भाई मानते हैं तो फिर भी कहूंगा हाथ जोड़ के इसे 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक निदेशक कौन है, यह पूछा गया है। मतलब DGP कौन है, DGP कौन है, यह आपको बताना है। लेकिन DGP की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब तक बता दीजिए, मैं जब तक बता देता हूं कि DGP कौन है, लेकिन DGP की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो DGP हैं वह कौन है, तो प्रशांत कुमार जी। कौन है? प्रशांत कुमार जी, आंसर है मेरे भाई, याद रखना। पूछा गया है अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? एक बात ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाए वह क्वेश्चन 80% इंपोर्टेंट हो जाता है, और जो महिला वाला शब्द प्रश्न हो, महिला संबंधी पूछा जाए, तो वो क्वेश्चन 99% इंपोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिए, इसलिए प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है मेरे भाई। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो बताइए लक्ष्मी सिंह बनी हुई है। कौन बनी हुई बच्चा? लक्ष्मी सिंह बनी हुई, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नए आपराधिक कानून आपको पता है, नए आपराधिक कानून 1/07/2024 से लागू हुए हैं, जिसे 3 नए कानून हैं। कितने? 3 नए कानून हैं। तो नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में VNS, 3 नए जो कानून है उसमें से एक है BNS, BNS के अंतर्गत पहला अभियोजन मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वो कहां पर किया गया, ये पूछा गया है। तो मित्र, ये जो किया गया है अमरोहा में किया गया है। आपने उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिले जरूर सुना होगा, कौन सा? उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिले में इसे क्या किया गया, दर्ज किया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस बात को याद रखना बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश की जो महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम क्या है, दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश विभाग में DSP मतलब क्या बनाया गया है, CO बनाया गया है, DSP उप अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, ये पूछा गया है। तो मित्र, इनका संबंध आगरा से है। कहाँ से है? आगरा। आगरा मतलब ताजमहल, आपने सुना होगा ताजमहल आगरा में स्थिति से शाहजहां ने बनवाया था। और दीप्ति शर्मा कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करती हैं। जो इनका दीप्ति शर्मा का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से संबंध है, और इन्हें DSP पद पर नियुक्त किया गया, आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग्स कब लॉन्च किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मित्र, ये 5वां क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2023 में। कब? 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एंथम सॉन्ग्स लॉन्च किया था, ठीक है। कौन सा? एंथम सॉन्ग्स लॉन्च किया था। अच्छा, इसे गाया किसने था, इसे लिखा किसने, वो आपको सब बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नया एंथम सॉन्ग है, इसे
किस गीतकार ने लिखा है, ये पूछा गया है, किस गीतकार ने लिखा है। एक गाना अलग चीज है और लिखना अलग चीज है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये रितेश राजवाड़ हैं, इन्होंने क्या किया है, सॉन्ग्स को मित्र लिखा था, राइट किया था, लेकिन गाया किसने है, तो गाने के बारे में आ जाए, इसे गाया किसने है, तो कुंवर आसित ने गाया है, आप लोग याद रखना। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो बताइए रितेश राजवाड़ ने यह गीत लिखा था जिसका नाम है एंथम सॉन्ग्स, ठीक है, लेकिन गाया किसने है, तो कुंवर आसित ने गाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, 16 अगस्त 2023 को, कब 16 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। ये सॉन्ग क्या है, ये सॉन्ग मित्र एंथम सॉन्ग यह है, चट्टानों की जिद पिघला दी बाजू को आग बनाया है, चट्टानों की जिद पिघला दी बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये बच्चों सॉन्ग है, कौन सा है, एंथम सॉन्ग्स है, इसे गाया किसने, रितेश राजवाड़ ने गाया है, जो सुल्तानपुर से है, ठीक है, और लिखा किसने है, तो कुंवर आसित ने इसे मतलब गाया हुआ है बच्चों, ठीक है, लिखा रितेश राजवाड़ ने। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, ये पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये मित्र गाजियाबाद में स्थापित किया गया, कहां पर, गाजियाबाद में स्थापित किया गया, आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय कहां पर, गाजियाबाद में स्थापित किया गया, आप लोग याद रखना मेरे भाई। आगे चलते हैं, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, पूछा गया है भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो बताइए ग्रेटर नोएडा में, कहां मेरे भाई, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का बेहतरीन और राइट आंसर है मेरे भाई, यह उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है मित्र, इसमें आप कुछ आपको स्टैटिक जीके मिलने के देख रहे हैं, मैंने आपसे वादा किया है कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित आएंगे मित्र। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है, यह पूछा गया है। फिर एक बार क्वेश्चन सुनने का प्रयास कीजिए, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर प्रदेश का सबसे हाईटेक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, तो मित्र गोरखपुर है, कौन सा, गोरखपुर है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहां पर है, हाईटेक पुलिस स्टेशन गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, आप लोग याद रखना। पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को कब लागू किया था, बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, तो मित्र इसे जो लागू किया है 2020 में लागू किया है, कब लागू किया है, 2020 में लागू किया है, पूछा जाए तो बता देना पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब लागू हुई है, तो 2020 में। ये फैक्ट मित्र वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे बताने का प्रयास करता हूं, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के इतने ऐसे कितने जिले हैं जिसमें पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है मित्र, तो बताइएगा 7 जिले मेरे भाई, कौन से 7 जिले हैं, वो 7 जिले कौन कौन से हैं जरा बताता हूं, जरा बने रहिए, बस केवल सेशन को स्किप मत करिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लखनऊ, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, सबसे पहले लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा में, तीसरे नंबर पर है कानपुर और वाराणसी में, उसके बाद गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, इस तरीके से जिले हैं, आप लोग याद कर सकते हो, हाँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड से हट जाता हूँ। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो मैं जानता हूँ इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, त्रिनेत्र ऐप 2.0 है, ठीक है, वहां 2.1 भी आएगा मेरे भाई, 2.1 भी आएगा, ठीक है, 2.1 भी आएगा, ये गलत हो जाएगा, 2.0 है, ठीक है, आप लोग याद रखना त्रिनेत्र ऐप, ठीक है, आप लोग इस बात को याद रख सकते हो। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, यह मिशन शक्ति लॉन्च किया है,
ठीक है। अच्छा मेरे आपसे क्वेश्चन ये है, जो मिशन शक्ति जो वो है मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मित्र? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान, देखो वही क्वेश्चन आ गया, इसे कब लॉन्च किया, इसकी शुरुआत कब से की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2020 से की थी मेरे मित्र भाई, कब की थी, 2020 से की थी, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है? मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है तो मित्र ये गोंडा में किया गया है। कहां पर? गोंडा में किया गया है, आप लोग याद रखना, पूर्वांचल का जिला है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आपने जरूर सुना होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ कितने, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाती है? तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो चार राज्यों सीमा रेखा बनाता है? आप इन चारों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन मुझे आंसर जरूर बताएंगे, आगे ध्यान दीजिए। तब तक जो मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया वो गोंडा में किया गया, इस बात को भी बेहतरीन तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महज 30 दिन के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने में के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है जिसके तहत 30 दिन के अंदर अपराधी को जेल के अंदर होगा, तो ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन कन्वेंशन लॉन्च किया गया है, आप लोग याद रखना, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, शहर के चौक चौराहे व स्कूल कॉलेज के पास मंडराने वाले मंचले के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया था? इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा मोस्टली गर्ल्स कॉलेज होते हैं वहां पर कुछ मंचले पहुंच जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं लड़कियों को, जो अपनी बेटियां होती हैं उनको बुरा लगता है, तो इस कंडीशन में उनको उनके ऊपर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा अभियान चला है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन एंटी रोमियो। क्या नाम है? ऑपरेशन एंटी रोमियो इस ऑपरेशन का नाम है जो पुलिस द्वारा चलाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बेस्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, तो मित्र 57 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, 57 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम स्टेशन कितने हो गए नहीं बनाए जाएंगे? तो 57 बनाए जाएंगे, ठीक है, 57 बनाए जाएंगे, इस बात को याद रखना। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में पहले से 18 साइबर क्राइम स्टेशन है, एवं सितंबर 2023 में कैबिनेट की 57 नए साइबर क्राइम कैफे स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 साइबर क्राइम स्टेशन होंगे, इस बात को भी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक होगा साइबर क्राइम स्टेशन, आगे ध्यान दीजिए। अगला दिया हुआ, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र, आप लोगों से पूछा जा सकता है, 19वां क्वेश्चन है। तो ये प्रयागराज जो पुलिस है ना, प्रयागराज की जो पुलिस है उसने ये काम किया है, इसने प्रयागराज पुलिस ने सवेरा योजना को क्या किया है, लॉन्च किया है बच्चों, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो वरिष्ठ नागरिकों से, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों को इनमें क्या करेंगे, सहायता कर सकते हैं, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। यूपी 112 डायल रेस्पॉन्स टाइम में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, यह पूछा गया है, मतलब तुरंत पहुंच गई पुलिस। अगर किसी ने 112 नंबर डायल किया, उसे जरूरत थी, उस पर किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसने 112 नंबर डायल किया, तुरंत पुलिस पहुंच गई। इस काम के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पर रहा, यह पूछा गया है, तो यह मित्र बाराबंकी रहा है। कौन सा? बाराबंकी रहा है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, आप लोग लखनऊ वाराणसी या अन्य जिला मत लगा देना, बाराबंकी टॉप पर रहा इस मामले में, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला दिया हुआ है, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये काम मित्र उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है, किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इज बेस्ट आंसर। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इस क्वेश्चन आने की 100% चांस है बच्चों, 5 बार स्टार लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश की सोनम ने, जो सोनम है उत्तर प्रदेश की है,
ने वर्ल्ड प्रेस गेम्स 2023 जो वर्ल्ड प्रेस गेम्स 2023 हुए थे और कहां पर हुए थे तो कनाडा में, बता दीजिए कनाडा में, कनाडा के विनीपेग शहर में। विनीपेग नाम जो आपने जरूर सुना होगा, कनाडा का एक शहर है विनीपेग। विनीपेग शहर को विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व की गेहूं की मंडी किस शहर को कहा जाता है तो विनीपेग जो शहर है उसे कहा जाता है जो कनाडा में, ठीक है, जहां पर 2023 में क्या हुए हैं वर्ल्ड प्रेस गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है। कौन सा मेडल जीता है सोनम ने, तो ध्यान रखना ये इसमें स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जो सोनम है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से है। किससे? अमरोहा जिले से है, इस बात को ध्यान रखना। और ये CISF दिल्ली में हेड कांस्टेबल की क्या है पद पर कार्यरत है, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में सोनम ने ट्रिपल जंप में 13 मीटर 32 सेकंड मीटर की छलांग लाकर गोल्ड मेडल जीत लिया था, आप लोग याद रख सकते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घोड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा मंडल चैंपियन रहा है, ये पूछा गया है। कौन सा मंडल चैंपियनशिप रहा है, 23वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये मुरादाबाद रहा है। कौन सा? मुरादाबाद रहा है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, 25वीं हुई थी है वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता, इसमें जो मुरादाबाद मंडल है वो टॉप पे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये है कि 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो मित्र इसका जो आयोजन है वह मोस्टली लखनऊ में किया गया है। कहां पर? लखनऊ में किया गया। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी, ये तो हो गया, ये डबल आ गया है, मुरादाबाद इसका राइट आंसर है। अगला है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो मित्र इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। कहां पर? लखनऊ में किया गया है, आप लोग याद रखना। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। पुलिस विभाग का कोई भी क्वेश्चन, पुलिस विभाग का कोई भी क्वेश्चन जो करंट अफेयर संबंधी आपका छूटेगा नहीं, बशर्ते सेशन को पूरा देखें मेरे भाई। फिर ये मत कहना कि पवन सर ने इसे छोड़ दिया था। आप पूरा देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कितनी महिला PSC का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने महिला PSC का गठन किया जाएगा, तो ध्यान रखना ये 3 की है। इसका बी आंसर सही है, 3 PSC महिला गठन किया जाएगा। और ये कहां कहां पर किए जाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए ये बदायूं में। कहां पर? बदायूं में किया जाएगा। दूसरा लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में महिला PSC गठन किया जाएगा। तीसरा बता सकते हैं आप गोरखपुर में। कहां पर? गोरखपुर में गठन किया जाएगा। तो जो 3 महिला PSC का गठन किया जाएगा वो कहां कहां पर? बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में। इसलिए 20 क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जेलों के नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो इनका जो नाम रखा गया है वो सुधार गृह रख कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुधार गृह। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला शक्ति हेल्पलाइन नंबर कितना है। तो जो नंबर है मैंने आपको बता दिया है 1090 है। कितना है? 1090। एक बात कहूंगा आपसे, जितने भी प्रमुख हेल्पलाइन नंबर हैं उसके लिए सेशन बना दिया है मैंने, उस वीडियो का लिंक इसके से डिस्कशन में जाके मिल जाएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। छोटा सेशन है 10 से 15 मिनट का, और जितने भी प्रमुख हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है जाके जरूर देख लीजिए, डिस्कशन में लिंक है उसका। आगे ध्यान दीजिए, अगला है भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है। तो मित्र जो टोल फ्री नंबर है वो 1098 है। कितना है? 1098 है, 98 है। इसलिए 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों को तुरंत निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर कितना है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर है मेरे भाई वो 1076 है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। मैं जानता हूं सबकी समझ में आ रहा होगा और सबको याद हो रहा होगा। अगला है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना 32वां क्वेश्चन है। तो इसका जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 है। कितना? 1930 है। एक बात बताएं, साइबर अपराध की श्रेणी में अपना इंडिया का विश्व स्तर पर जो रैंक है वो 10वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर इंडिया है, याद रखना, ठीक है। साइबर अपराध में पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, इस तरीके से आप बता सकते हैं।
इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे एनसीआरबी कहा जाता है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर रहा है, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर रहा है। कौन से नंबर पर? प्रथम स्थान पर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है, जो केंद्रीय मतलब जो सेंटर की कारागार है, जेल है, उनकी संख्या कितनी है, यह पूछा गया है। तो इनकी संख्या मित्र आठ है। कितनी है? आठ है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बीस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा आठ कौन कौन सी है, आठ कौन कौन सी है, तो आठ आप लोग ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले आगरा, बरेली, फतेहपुर, नैनी, वाराणसी, लखनऊ और इटावा। ठीक है, ये सात ही हो गए, लेकिन बरेली में दो केंद्रीय जेल हैं। बरेली में दो केंद्रीय जेल हैं। इस तरीके से आठ उत्तर प्रदेश में क्या है, केंद्रीय जेल हैं, आप लोग याद रखना। किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप करने में सक्षम होंगे। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना मेरे भाई कब हुई थी? तो 1863 में हुई है, आप लोग याद रखना। और किस एक्ट के तहत हुई है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1861 के तहत हुई है। एक्ट के तहत पुलिस शब्द का वर्णन किस धारा में है? तो बताइए इसकी जो धारा है, धारा वन, धारा वन में पुलिस शब्द को वर्णित किया गया है। हालांकि इसमें क्वेश्चन है, आप परेशान ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत, कब की गई थी? 1863 में। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना है 1863 में भारत का वायसराय कौन था, जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्थापना, पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। आगे ध्यान दीजिए, किस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी? तो वही क्वेश्चन है 1861, आप लोग बता सकते हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मित्र ये पहले प्रयागराज हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है पहले प्रयागराज हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में, आप लोग याद रखेंगे। और लखनऊ में ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये सिग्नेचर बिल्डिंग है। कौन सी? सिग्नेचर, सिग्नेचर बिल्डिंग में है। किसमें? सिग्नेचर बिल्डिंग में, आप लोग याद रखना। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में, आप इस तरीके से बता सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं थी? जो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 था उसमें कुल कितनी धाराएं थी? इसमें टोटल 47 धाराएं थी। कितनी? 47 धाराएं थी। इस धाराओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में ये पुलिस द्वारा ये मतलब एक प्रकार का कानून स्थापित करना था, मोस्टली इसका टारगेट था बच्चों। ठीक है, तो कितनी धाराएं हैं बच्चों 1861 में? जो अधिनियम है 47 धाराएं। आगे ध्यान दीजिए, भारतीय पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो 1861 जो अधिनियम है उसकी धारा फर्स्ट है, धारा फर्स्ट में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया है। अच्छा आप लोगों से कमेंट्स में क्वेश्चन चाहता हूं, पुलिस शब्द की जो पुलिस शब्द है उसकी फुल फॉर्म बता दीजिए आप मुझे, आपको मान जाऊंगा कि मतलब यू आर ग्रेट स्टडी। बताइएगा कि जो पुलिस शब्द पुलिस है उसकी फुल फॉर्म क्या है? आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मित्र आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे दो मछलियां बच्चों। क्या है? मछली है, आप लोग देख लेना। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसमें कितनी मछलियां हैं? तो मित्र ये क्वेश्चन है, कितनी मछलियां हैं इसमें? तो दो मछलियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन बांटा गया है? फैक्ट अच्छा है, स्टैटिक जीके का है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 43 का मेरे भाई। तो इसमें आठ जोन है उत्तर प्रदेश में। कितने? आठ जोन है उत्तर प्रदेश पुलिस के, आठ जोन है, आप लोग याद रख सकते हो। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, भारत में कुल कितने थाने हैं? भारत में कुल कितने थाने हैं? तो बताइए 16,671 थाने टोटल इंडिया में। कितने? 16,671 थाने। अच्छा उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो 1526 आपको वैसे याद नहीं हो रहा है, तो 1526 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, सॉरी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, किसका? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में, किस किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आप इस तरीके से उसको 1526 से जोड़ करके याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1526 थाने हैं बच्चों।
ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस थाना कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बताइए ये फिरोजाबाद में है। कहां पर है? फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद में नारकी ब्लॉक है, वहां पर नारकी पुलिस स्टेशन है। कौन सा? नारकी पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन थाना है बच्चों। अगला है, शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, 47वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को बच्चों। कब? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में थाना दिवस है मेरे भाई वह प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को, प्रत्येक महीना का जो दूसरा शनिवार होता है और चौथा शनिवार होता है उस दिन थाना दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 49वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये मनाया जाता है 23 नवंबर। कब? 23 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग याद रखना। बी ऑप्शन क्यों जाएंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस कलर व ध्वज प्रदान किया था, इसलिए 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। अगला है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, और आप मुझे ये जरूर बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। आपके भाई ने इसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत की है, मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा है, यह भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह पसीना कुछ नहीं है आपके लिए, मैं इससे ज्यादा बहाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप वर्दी पहन लीजिए। और मैं रिक्वेस्ट के साथ एक बात कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दें, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नई सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।